हेलो, सुस्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट सुपरमैन का तीसरा एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लैकेस्ट के हैशटैग के जरिए या फिर ब्लैकेस्ट के प्लेलिस्ट के जरिए भी आप इससे पहले के और इसके बाद के आने वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टो को केंट फार्म के बाहर, जहाँ पर उसे सुपर बॉय रख के गया था, लेकिन वो कुछ महसूस करता है और इसी के साथ वो वहाँ से उड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ न्यू क्रिप्टॉन पर उसी मोमेंट पर एक बाप अपनी बेटी से लड़ रहा था, यानी कि जॉरेल, जो कि ब्लैक लैंटर्न बन चुका था, वो अभी कारा के साथ लड़ रहा था। और वहाँ पर कारा अभी भी विल के साथ भरी हुई थी, लेकिन जॉम्बी जॉरेल यानी कि ब्लैक लैंटर्न जॉरेल के उसे ताने मारने के बाद वो गुस्से से भी भर जाती है और जॉरेल पर वो बुरी तरह से अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ स्मॉल विले में उसी वक्त साइको पायरेट ने सब तरफ तबाही मचाई हुई थी, जहाँ पर एक आदमी उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, जिस पर साइको पायरेट उसे जवाब देता है, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, समझ गए? और वो उससे कहता है कि अब चुप करो और पिटो। दूसरी तरफ आसमान में सुपर बॉय अभी भी सुपरमैन पर अटैक कर रहा था और सुपरमैन कालेल और सुपर बॉय दोनों से बचने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर सुपर बॉय से वो कहता है ये तुम नहीं हो, ये साइको पायरेट है। और वो आगे कहता है तुम वही कर रहे हो जो वो चाहता है, जिस पर कॉनर उसे जवाब देता है नहीं, मैं तुमसे सच में हेट करता हूँ, तुम परफेक्ट हो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है, मैं आता ल्यूथर हूँ, मैं ल्यूथर का पार्ट हूँ, मैं हमेशा से तुम और ल्यूथर दोनों में ही झगड़ता रहा हूँ, मैं इस सब से तंग आ चुका हूँ, तुम आखिरकार मुझे मार क्यों नहीं देते? जहाँ पर सुपरमैन उसे कहता है नहीं कॉनर, नीचे देखो, साइको पायरेट ने पूरी सिटी को थ्रिल कर रखा है और तुम भी इसके शिकार हो चुके हो। और वो इतना कहकर सुपर बॉय को अपने से दूर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुइस अभी भी मार्था को ढूंढ रही थी और वो कह रही थी मार्था बाहर आ जाओ, तुम मुझसे छुप नहीं सकती और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लगता होगा, तुमने सब कुछ खो दिया, अपना हस्बैंड, अपने बेटे, तुम अकेली और बेसहारा हो और विधवा भी। और तभी मार्था यह सुनते ही उस पूरे खेत में आग लगा देती है और बीच में फंसी हुई लुइस उस आग में कूदते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि फायर मुझे रोक पाएगी, मेरी रिंग मुझे फिर से वापस ले आएगी, समझ गई? जब तक मेरी रिंग है तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसका मतलब ये है कि मेरी रिंग और तुम्हारे हार, समझ गए? और ये सुनते ही वो क्रिप्टो से कहती है, जो कि अभी वहां पर आ चुका था, उससे वो रिंग लुइस के शरीर से अलग करने को कहती है और क्रिप्टो भी ऐसा ही करता है। लुइस के आधे जले हुए शरीर से वो उसका हाथी उखाड़ देता है और दूसरी तरफ भागने लगता है। और लुइस की बची हुई बॉडी उस आग की चपेट में आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ पर क्रिप्टो ने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसी हाथ में से लुइस फिर से रिजनरेट हो जाती है और वो क्रिप्टो पर हमला करती है, लेकिन क्रिप्टो उसके जवाब में हिट विजन से उसे जला देता है और एक खाई में गिरा देता है। इसके बाद मार्था क्रिप्टो से कहती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरी सेफ्टी के लिए रुके हो, लेकिन मैं अब ठीक हूँ, तुम अपने मास्टर्स के पास जा सकते हो उनकी मदद करने के लिए। और वो आगे बढ़ता है अपने मास्टर्स की तरफ। दूसरी तरफ न्यू क्रिप्टॉन पर एक सोल्जर आकर अलोरा से यह कहता है कि जो शख्स अभी कारा से लड़ रहा है उसकी फाइट के दौरान हमें कुछ डाटा मिला, वो डाटा जो कि हमारे लिए जरूरी था, जिस पर अलोरा को लगता है कि वो उसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में कह रहा है, लेकिन वो सोल्जर उसे समझाता है कि डिस्ट्रॉय करना नहीं, हम उसे क्रिप्टॉन से दूर भगा सकते हैं। वो आगे समझाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है एक फील्ड जनरेट करने की जो कि सिंथेसाइज्ड काउंटर एनर्जी होगी उस रिंग की, और वो एनर्जी प्रोजेक्ट होगी हमारे प्लेनेट के अराउंड, और इस वजह से वो क्रिएचर जो कि रिंग पहने हुए है और उसी के इक्वल की कोई भी चीज क्रिप्टॉन से दूर चली जाएगी। जिस पर अलोरा पूछती है तो इसमें दिक्कत क्या है, जिस पर वो बताता है कि इसके लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, इस फील्ड के जनरेट होते ही कोई भी इसे तोड़ नहीं पाएगा, जैसे कि वो क्रिएचर बाहर फंस जाएगा वैसे ही हम लोग यहाँ पर अंदर फंस जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कमांडर एल अभी यहाँ पर नहीं है, और कुछ पलों के लिए वो सोचकर कहती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे प्लेनेट की किस्मत मैं अपने नेफ्यू के इस एरोगेंट बर्ताव पर नहीं रख सकती, और वो उसे वो शील्ड जनरेट करने को कहती है, जिस पर वो बताता है कि लगभग हमें 3 माइल्स ऊपर रखना होगा उस क्रीचर को, तभी हम उसे इस शील्ड से दूर रख पाएंगे। तब कारा की मदद करने के लिए अलोरा वहां पर चली जाती है। या दूसरी तरफ सुपर बॉय अभी भी सुपरमैन को पीट रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर कालेल उसका हाथ चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी सुपरमैन उसे समझा रहा था कि ऐसा करना जरूरी नहीं है, हम अभी भी भाई हैं। जिस पर सुपर बॉय वही दोहराता है तुमने मुझे सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा,
मैं पार्ट लूथर हूँ, पार्ट ह्यूमन, और तुम पूरे के पूरे एलियन हो। यहाँ पर सुपरमैन लगभग मरने ही वाला था, तभी उसे देखकर कॉर्नर का जो कलर स्पेक्ट्रम था, जो कि फिलहाल फियर, लालच और गुस्से से भरा हुआ था, वो धीरे धीरे फियर, लव और होप से भर जाता है, और थोड़ी देर बाद वो बढ़ता है कालेल की तरफ उसे मारने के लिए, और वो उसे अपने हाथ में उठाकर उसे फाड़ देता है। आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यू क्रिप्टन पर, अभी भी अलूरा और कारा ब्लैक लैंटर्न जॉरेल से लड़ रही थी, और वो उसी दरमियान उसका हाथ काट देती है। यहाँ पर कालेल होश में आ चुका था, जहाँ पर कॉर्नर उसे कहता है, मैंने अपने टैक्टिकल टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल किया, सच कहूँ तो मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था, इसलिए मैं ये पावर्स यूज नहीं करता था। इस पर उसे डांटते हुए सुपरमैन कहता है, तुम पागल हो कॉर्नर, अगर तुम्हारे पास पावर्स है तो तुम उससे डरो मत, जितना तुम उससे डरोगे उतना ही तुम्हारे दुश्मन ताकतवर होते जाएंगे। और वो आगे बताता है कि साइको पायरेट जब पहली बार मेरे सामने आया तो मैं बौखला चुका था, लेकिन अब नहीं। और इतना कहते ही सुपरमैन और क्रिप्टो कालेल की तरफ और सुपर बॉय साइको पायरेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्मॉल विले में कि सब तरफ तबाही मची हुई थी, और उसी तबाही का फायदा उठाकर साइको पायरेट अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा रहा था लोगों के हार्ट चुरा कर। यहाँ पर सुपर बॉय अपने फुल फॉर्म के साथ वहाँ पर लैंड करता है, और उसी के साथ वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है अर्थ पर, और वो साइको पायरेट से वो मेडुसा मास्क छीन कर आसमान की तरफ उड़ता है। दूसरी तरफ कालेल, सुपरमैन और क्रिप्टो के बीच में बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई चल रही थी। यहाँ पर सुपर बॉय उस मेडुसा मास्क के इस्तेमाल से वहाँ पर उन लोगों के कलर स्पेक्ट्रम देख रहा था, जो कि इमोशनल स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए थे, जैसे कि विल, लव, कंपैशन, होप, और वो उसी के साथ बढ़ता है दूसरी तरफ। यहाँ अलोरा और कारा दोनों ही जॉरेल को ऊपर ले जा चुकी थी एक सेफ डिस्टेंस पर, और इसी के साथ अलूरा अपनी हीट विजन से ब्लैक लैंटर्न जॉरेल को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉरेल तब तक सुपर गर्ल का पाउच पकड़ चुका था और वो उसी के साथ नीचे आने लगता है। लेकिन जब वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पार कर लेता है तभी वो शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, और जॉरेल का वो हाथ कटकर उसी शील्ड के अंदर रह जाता है और वो उस शील्ड के बाहर। दूसरी तरफ अभी भी कालेल से क्रिप्टो और सुपरमैन लड़ रहे थे, जहाँ पर मेडिसा मास्क लेकर सुपर बॉय आता है और वो उस मास्क का इस्तेमाल करके उसे सारे कलर स्पेक्ट्रम दिखाने लगता है जो कि इमोशनल स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए थे, और इसी के साथ उन दोनों की ब्लैक रिंग्स आकर उस मेडिसा मास्क से टकरा कर वहीं पर तबाह हो जाती है, और कालेल स्पेस में तैरने लगता है। यहाँ पर सुपर बॉय उसे बताता है कि किसी तरह से मास्क ने उन ब्लैक रिंग्स को स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन कॉर्नर उसे आगे बताता है कि साइको पायरेट ने जो कॉप खड़ी की थी स्मॉल विले के स्ट्रीट पर, उसे कालेल जाकर ज्वाइन करने वाला था। और ये सुनते ही सुपरमैन और सुपर बॉय आपस में बात करने लगते हैं, अगर ये लैंटर्न रिंग्स की बात है और कॉप्स का मामला है तो इसके बारे में गार्डियंस कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। जिस पर सुपर बॉय उससे कहता है ये शायद ग्रीन लैंटर्न्स जैसे कि जॉर्डन, स्टेवर्ट, हेल या फिर गार्डनर, और वो दोनों ही स्मॉल विले की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर सुपरमैन उससे कहता है स्मॉल विले पूरी तरह से तबाह हो चुका है, हमें काम पर लग जाना चाहिए। और वो आगे बताता है कि ये सब डिस्ट्रक्शन हुआ क्योंकि मैं न्यू क्रिप्टन से यहाँ पर आया, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और इसी वजह से कुछ हद तक मैं खुद को इसके लिए दोषी मान रहा हूँ, और अब मुझे इन सब के जवाब चाहिए। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।